इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल गनापुर बल्दीराय सुल्तानपुर। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हलियापुर रोड पारा चौराहा सुल्तानपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की सहायता करने की अपील। कहा, देश का सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 35,614 नए मामले। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की 2,97,616। अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए 25,633। अब तक कुल 11,165 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना से लगातार हो रही मौतों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मृतक के धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होगी। जिला प्रशासन को सभी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। योगी सरकार ने दिया बड़ा फैसला, कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल कोविड मरीज के इलाज से नहीं कर सकता इनकार। सरकार देगी इलाज का सारा खर्च। कहा, यह सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण के तीसरे चरण में वैक्सीन लगाने का लिया निर्णय। राज्य सरकारों ने भी तैयारी की शुरू। सीएम योगी ने स्वदेशी वैक्सीन निर्माता दोनों कंपनियों को 50-50 लाख के डोज का दिया ऑर्डर। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए पूछा, इस संकट के समय जनता से झूठ बोलने की सजा क्या होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर नाकामी का लगाया आरोप। प्रदेश सरकार से कोविड-19 की मुफ्त जांच, मुफ्त टीका और मरीजों के मुफ्त इलाज की रखी मांग। यूपी में कोरोना के कहर के बीच सेवा फ्रंट वायरस की तरह जनता की सेवा में जुटे 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी। राज्य में दोनों एम्बुलेंस सेवाओं में लगे 16,000 से अधिक कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी। एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए निर्देश जारी। 22 मार्च से 22 अप्रैल तक 108 ने 2,51,000 कोविड मरीजों को दी सुविधा। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को लिया था सैंपल। 291 लोग पाए गए संक्रमित। मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर है। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के करोदिया कटिया के पास झाड़ियों में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। टाटिया नगर का रहने वाला है मृतक रामदास। सुल्तानपुर के बल्दीराय कस्बे में अज्ञात कारण आग लग जाने से 5 घरों की गृहस्थी जल कर राख। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। लोगों के आगे खड़ा हुआ आर्थिक संकट। सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट के घर में बनी दुकान में लगी आग। दुकान में लगा लगभग 50 लाख का सामान खाक। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग की सूचना पर थाना अध्यक्ष तनपतगंज पुलिस क्षेत्र अधिकारी SDM लेखपाल के साथ पहुंचे। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के धरोहरा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान दबंग युवक ने अवैध पिस्टल लेकर लोगों को धमकाया। अवैध पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेठी में 26 अप्रैल को तीसरे चरण का होगा मतदान। जगह जगह से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी। कानून व्यवस्था को लेकर SP दिनेश सिंह ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ के कुंडा के शाहपुर प्रधान ने कायम की मिसाल। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए चुना गया एकमात्र गांव। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शाहपुर ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से किया सम्मानित। जौनपुर के थाना किराकत के अंतर्गत थाना गद्दी बाजार में चौकी से 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम बेची जा रही देसी शराब। भदोही जिले के खमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष नंद कुमार मौर्या ने खमरिया की सभी वार्डो पुलिस चौकी और नगर में फंगिंग सैनिटाइजिंग और कराई ब्लीचिंग। बुलंदशहर में पुलिस ने औरंगाबाद और काकोड़ में छापेमारी कर ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए लाई गई लगभग 7 लाख रुपए की 211 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। जिला पंचायत वार्ड 20 की प्रत्याशी समेत 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बुलंदशहर के CDO अभिषेक पांडे ने इमलिया ऑक्सीजन प्लांट कर लिया जायजा। बताया, एक दिन में औसत 203 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की है जनपद में खपत। फिलहाल मांग के हिसाब से पर्याप्त बताई जा रही ऑक्सीजन की मात्रा।
बुलंदशहर के अलीगढ़ अनूप शहर मार्ग पर स्थित फ्लाई फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का माल जलकर हुआ राख। अनूप शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति सुनील गुप्ता की है फ्लाई फैक्ट्री। सूचना मिलते ही एसडीएम पदम सिंह मौके पर पहुंचे। 3 दमकल गाड़ियों ने घंटों से मशक्कत के बाद पाया काबू। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।